ولي كل حجة ابن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا या काशिफल करबियाम वाजिहिल हुसैन अलैहि सलातो व सलाम इक्शिफ करबी व कुरुबल मोमिनीन बेहके अखी कल हुसैन या अबल फाजलिल अब्बास अलैहि सलातो व सलाम नजीलों का हैसो मतजहत रिकाबी व ज़ैफों का हैसो कुंतु मिनल बिलादिया साहिब अल असर व जमान अलैहि सलातो व सलाम आदरिकनी 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 वला तो लिकनी बिहक्के उम्मिक व जद्दतिक सैयदतिन निसाइल आलमीन रब्बि सल्ल अला मुहम्मद व आल मुहम्मद अज्जिल फरजहुम व साहिल मखरजहुम व हलिक वल अन أعداؤهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين إله العالمين ولي الأمر عليه السلام نو إذن خروج عطا فرما میرے وطن میرے گھر میرے شہر میرے علاقے دا عظیم اجتماع ہے حضرت حجت دوران علیہ الصلوۃ والسلام دے خروج پاک دی دعا اور حسرت تے آمین آکھن نال اللہ گناہ معاف کر دین मैं एक मरतबा दुआ फिर कर दें तो कोशिश करो इतनी आमीना खो जो दाएं कंधे वाला फरिश्ता आवाज ते गवाह हो जाए बादशाह अल्लाह खूने हुसैन अलैहि सलाम दा सदका वारिस खूने मजलूमी नमीने जुल्फिकार बकियतुल्लाहिल आजम शहनशाह मुअज्जम उम्मीदे गरीबानू इज़्ने खुरूज अता फरमा इलाही आमीन मेरे इज्जत मुआब बिरादरानो बुजुर्गान सोगवारा ने इमाम हुसैन अलैहि सलाम कदीमी मातमी दस्ता दे सालारे आला मेरी निहायत ही वाजिबुल कद्र शख्सियत जनाबे किबला सैयद जफर बादशाह साहब बुखारी सालारे दस्ता सैयद अली इमरान बुखारी संगत दे तमाम मराकीन मातमी नवा खान हाजरीन सामईन दी जुमला इबादत नू शर्फ़े कबूलियत अता मोसने हुसैनियत दी सफ़े अदा बिछाण दा अजरे अजीम अता फरमा बादशाह अल्लाह हर मरीज अदादार नू शिफाए कामिला अता फरमा तमाम बे औलादां दियां झोलियां मातमी फरजंदां नाल आबाद फरमा जितनी बड़ी दुआ जितनी अच्छी लगे जितनी ख्वाहिश व हसरत होए उतनी आमीन कह देना करीम अल्लाह हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलाम दे हर अजादार मातमी नू 14 दी जियारत नसीब इलाही आमीन मेरे मुल्क ममलिकत मेरी मजलूम कौम ते रहमो करम दा नजूल फरमा करीम अल्लाह वक्त ज़हूरे हुज्जत दो दुआवां ते वाजिबन आमीन आखना इतना शऊर अता फरमा जो वारिस पाक दी पहचान हो जाए बाद ज़हूर वली उलामर अलैह सलाम दे कदमच मालक दिशाईये हुज्जत दी निगाहे सरदार दी सिपाहे शहादत नसीब फरमा कबूलियत आदिया की खातिर हुज्जत की हदीस पाक ते अमल करते हुए कम अज कम अपनी आवाज ते नाल वाला आजादार गवाह करके पूरे खलूस नाल बाजमात सलवात तिलावत फरमो माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काल अल मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम विलायतो अलीयन रूहुल अमले वल इबादा सलवात बावाजे बलंदना सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अजल फरज वाजिबुल कादर इज्जत मुआब सादात गैर सादात मैं हस्बे आदत इबादत दी इब्तदा कलामे हुज्जत तो की थी मैं चाचा जी हमेशा अर्ज करदा रहा मजलिस पाक नाल खिताब करन वाला खतीब आलिम होए वाइज होए शायर होए हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलाम दा जाकिर या मैं हकीर जैसा सिर्फ सरकार दा नाम लेवा उनवाने मजलिस सिर्फ फकत दो ही हो सकते ने या अल्लाह दा कुरान या हुज्जत दा फरमान और यही है
मजहब हक्का दी असल तस्वीर या कुरान च मिलेगा या हुज्जत दे फरमान च मिलेगा। जिस हस्ती दी मैं हदीसे पाक तिलावत की, कोई लंबी जहमत नहीं देनी, कोई तवील मैं तकरीर नहीं करनी, सिर्फ नमाज़े असूल दी रकअतां दी चाचा जी तकमील हो जाए ते फिर मैं अगली रकात दी इब्तदा करा। जिन्हां दी मैं हदीस तिलावत की उन्होंने अल्लाह ने कूनु मा सादिकीन दे घराने ते सादिक बनाया। नियाली अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलातो सलाम जीते रहो बेटा। ओ पाक हस्ती जिन्होंने 14 दा मुश्तरका मजहब अपने नाम मनसूब करा लिया, बल्कि जिन्हें आखते हैं चाचा जी ओ हस्ती जिन्होंने दुश्मन भी सादिक आखते हैं। आखना पै जावे शुक्रिया। और ओ साहिब इल्म इमाम जिन्हां दा शागिर्द सदान ते बाकी मजहबां दे इमाम फखर करदे होवे, ओ हुज्जत खुदा इरशाद फरमा रहे दुनिया वाले याद रखना, मेरे जद्दे पाक दी उम्मत जहन च बिठा के रखना, भूल ना जावना। तर्जमा ही हदीस तक करने ते सरगोदे महमद रिसे दी दर्स दी हुदूद च मजलिस पढ़ रहे हैं। मजलिसे तुलबा उलमा तशरीफ फरमा मातमी बुजुर्ग अजीजान हर मकबे फिक्र दे आबाब बुजुर्गान तर्जमा करने ते इबादत दी इब्तदा हो जाएगी। हुज्जत फरमा रहे याद रखना मेरे दादे अली दी विलायत अमल और इबादत दी रूह है। या अली अलैहि सलातो सलाम जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद बेशुमार दरबे बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद जिल फरजो हम साहिल मकर तुसा जियो पे। यानी निजात अगर जिंदगी है तो किबला जान उसके दो हिस्से, एक अमलो इबादत दूसरा अली दी विलायत। मैं नहीं आख रहा, शिया दे किसे आलिम नहीं आखिया, तालिब इलम नहीं आखिया, जफर अब्बास बुखारी साहब वकील हैं उन्होंने नहीं आखिया, प्रोफेसर तशरीफ फरमाए डॉक्टर हजरात तशरीफ फरमाए उन्होंने नहीं आखिया, बच्चे तो बुजुर्ग तक ऐसा शिया नहीं आखिया। मैं अगे आखे बाकी मजाहिब दे इमाम जैसा शागिर्द सदावन च फख्र नाज महसूस करन। ओ इमाम फरमा रहे अमलो इबादत की हैसियत है जिसम और विलायत है उदे च रूह। अब आओ जरा सादात की कयादत च सारे गैर सैयद नौकर हुज्जत की बारगाह च हाजरी देइए। मौला अमलो इबादत ढेर सारे हर वो कम जिसनू नेकी आखिया जा सके जेड़ा जिमने इबादत च आ जाए उदी हैसियत है बदन विलायत है रूह। मसलन नमाज इबादत है शुक्रिया ताईद का शुक्रिया। मैं कदी अल्हम्दुलिल्लाह 22वां बरस है सरदार दी सना खानी है जी वतन आलियां दी दुआ नाल कोई कोना मुल्क दा ऐसा नहीं कम अज कम पाकिस्तान दा जिथे अली उन वलीउल्लाह पढ़न वाले रहंदे होवन ते मैं नौकरी ना कीती होवे। कदी भी मिंबर तू किसी दीगर मजहब दी ना कोई गल कीती ना चाचा जी मैं किसी दा कोई पता है जितना मेरे वास्ते जरूरी है। मैं 14 दे मजहब दा पता है किसी नूं गल चंगी लगे तां भी करसा ना लगे तां भी करसा। फिकए जाफरियत 14 मासूमा दे मजहब च नमाज है वाजिब।
या अली अलैहिस्सलाम, बाकियों तो मैंने पता नहीं। अब नमाज इबादत ते हदीस आदि इबादत बदन विलायत रूह, रोजा इबादत फिर रोजा जिस्म विलायत रूह। इबादत गिणा लगा रात मुक जाए, हर मैं फिर भी आखदा हर वो इंसान का कीता होया काम जेड़ा लायक अजर होवे तौहीद दी बारगाह च जिसका सवाब भी होवे अजर भी होवे वो इबादत है। ते हर इबादत जिस्म दी हैसियत रखती है, अली दी विलायत उस जिस्म दी रूह है। असा मौला दी बारगाह च सवाल कर दिता, मालिक तुसी इतना ही आख दिंदे कि मेरे दादे दी विलायत अमलो इबादत वास्ते जरूरी है, मौला इन क्यों फरमाया जो हर अमलो इबादत जिस्म दी हैसियत ना ले विलायत अली दी रूह है। तो जो हुज्जत दी बारगाह च जवाब आया उदा मफहूम मैं वतन वाले दे हवाले करन लगा। एक सवाल का तुसा मैं जवाब देना है, जिस्म और रूह का रिश्ता क्या है? सौखा करके करा सवाल, जिस्म च रूह वखरी हो जाए तो जिस्म क्या है? अच्छा, अगर सिर्फ मुर्दा होंदा तो खैर आई, शुक्रिया बुखारी साहब किबला मालिक सेहत नाल जिंदगी दे साया तुहाडा सलामत रहे। ए मजलस अदा हो रही है दारुल उलूम दी हदूद च, मातमी संगत दे जवान इकट्ठे कुत्थों आ रहे हैं तो उन्हें वेख्या भी जिथों आजादारा अंदर आवना है ना मातमिया मेहमाना मजलूमे करबला दे उत्थे रस्ते ते मुर्दा बकरी पई है। बुखारी साहब आख्या संगत जवानों जल्दी करो ये बकरी तू उठाओ इन म्यूनसिपल कारपोरेशन वाले डब्बे छट के आओ, कचरे वाली ट्राली छट के आओ। वो गए उन्हें छट दी थी, वो वापस आए दरवाजे तो अंदर आके उन्हें आख्या असी तो सुननी आई मजलस, मुर्दा बकरी नूं असा हाथ लाए साडे वास्ते शरीयत के आखदी है। दर्स दे तालिब इल्मा भी बुखारी साहब भी उन्होंने आख्या तुहाडा जिस्म पा के वजू करो जाओ मजलस भी सुनो नमाज भी पढ़ो। अच्छा इस सवाल जवाब नूं सुनदा पिया पिछे एक होर बंदा उस आख्या मैं करके आया थोड़ा फासला, मैं मसलन सैटेलाइट टाउन तो आया मैं रस्ते वेख्या ओ पिछे दो गलियां पहले एक एंबूलेंस आई उहदे च एक बंदे दा जनाजा आई उन्हूं लहाणा लाही कोई ना, मैं उन्होंने नालों मैयत एंबूलेंस जो लहा के चार पाई ते रखाया ते मैं फिर अगे आ गया मेरे वास्ते की हुक्म इना के फौरन वापस जा पहले गुस्ले मसे मैयत कर। केड़ा हाथ उठ सकता है विलायत दी ताई दे, मैं इंतजार चा मैं जियारत करना चाहना मैं नतीजा देन लगे ना के वापस जा हौसले मसे मैयत कर फिर दोबारा मजलस चावे सके। बुखारी साहब मैं शायद समझा नहीं सकिया अपना बंदा ही असर रल के कई दफा मातम किया कितनी बारी इस मस्जिद की नमाज पढ़ी है मैं उन्होंने कुरान पढ़ता वेखे ते अज जो इतना पलीद है मैं हाथ लवा मेरे ते गुसल वाजिब इना के तैन पता नहीं उहदे बदन चो रूह निकल गई। जागना आखिरी बंदे तक जागना मैं नतीजा देने लगा तेरे इल्म च नहीं उहदे जिस्म च रूह निकल गई। उसका क्या किबला वो रूह है क्या जिहड़ी जिस्म च निकले तो इतना पलीद है जो हाथ लाने वाले ते गुसल वाजिब हो गया। इना क्या पढ़ अल्लाह दा कुरान रूह है अल्लाह दा अमर, अल्लाह दा अमर जिस्म च जुदा होया बदन इतना निजस है जिहड़ा हाथ लाए उहदे ते गुसल वाजिब हो गया। जिवें बंदे दे बदन चो अल्लाह दा अमर रूह निकल जाए इंसान पलीद है, इन्हें इबादत दे बदन चो लेल अमर दी विलायत निकल जाए। आप जी हैं एक दफा ही सारे तिलावत कुरान हाथ अलम दी छवि होवे है दरिया आप सलामत बड़ी बहुत शुक्रिया। सिर्फ ना काबिले कबूल ना उसी नुकसान देसी वो इबादत जड़ी अली नु छोड़ के की थी। बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया। एक हिस्सा चाचा जी गवाओ सुबह तू तुहाडे नाल मुलाकात पंजवी छेवी नौकरी पहली भी तुहाडे नाल मिलके कीती ते वध दस्सिया ही बिराती इंशाला इत्थे फिर मुलाकात होसी। मेरे वतन दे मेरे घर दे मातमियां दा कीता होया तमाम मैं इस वास्ते फजीलत दी सतर आखी जो मेरे भाई मेरे बुजुर्ग जी ने आख्या जो कंजूसी नाल पड़िया फखर नाज महसूस करदे आ अपने इस खलो के शहनशाह दी नौकरी करदे। इसे विलायत अली दी दुश्मनी च लोगां अली दियां धीआं नूं बड़ा मारिया है।
पाक सैयदा दे शाम च रुल के शहीद होवण दा सदका मौला संगत दे सलारे आला दे सलारे दस्ता दे हाजरीन दे खानदान दे मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमा। और इस मौजूए च मैं जिहड़ी मैं इलाही आमीन मेहरबानी चाहिए और जिहड़ी मैं सब तो बड़ी दुआ बेटा आज दी रात कर सकदा सैयदजादा वकार शाह जी वो दुआ है मेरा अल्लाह बाजारे शाम च जख्मी तलिया नाल मुसाफर शाम दे एक एक औखे कदम दा सदका इन रोण वालियां अखां नूं शाम दी जियारत करा। इस विलायत अली दे जुर्म च इतना रुलाया ने जिन्हां दे जनाजे मदीने दे हुजरे तो बाहर ना नाने वो शाम रुल के मर गईयां। भला होवे तुहाडा अज कम अज कम तीसरा चौथा दिन है हर मजलिस की इंतहाए मुसाफर शाम दे दुखां ते डॉक्टर साहब पढ़न वाले उस बीबी दे कितने दुख पड़ सन जिंदे दो लकब मशहूर हैं महरूमत उल मुसर्रत उम्मुल मसायब जिस पूरी जिंदगी खुशी नहीं वेखी जिहड़ी मुसीबतां दी मां है। मैं तो दुआई दे सकदा चाहदी 24 दफा दा बहन बिरा दा जवार हां मजलूम दा छोटा जिहा मातमी ते सना खान हां इस रोण दा सदका शाला एक दफा पहले ओ जा वेखे जिथे उच्ची जात तो बहन वेदी रही झिकी जात बिरा कुछ दरिया वत अल्लाह तैनू बाजार विखावे जिथे अज भी शरीफ मर्द सौखा नहीं गुजर सकता अल्लाह जलिया मुंतकिम। चलो दुआ मुकम्मल करा अगर तुहाडे कोल गुंजाइश होवे तो मेरा दिल है मैं तुहानू राज के आलिया दा मसाइब सुनावा। दुआ मुकम्मल चाचा जी कर लवी है मेरा अल्लाह शाम दी जियारत भी करावे ते हर रजादार नू इतना रिज़्क देवे जदा रोण वाले शाम जावन इन्हां चों इकल्ला कोई ना होवे मां होवे बहन नाल होवे धी होवे घर की गैरत लेके एक दफा उत्थों जरूर गुजरे जिथों गैरतुल्ला अली दियां धीयां नाल गुजरे। अल्लाह जलिया मुंतकिम वतन मदीना कब्र शाम तुहाडे इल्म च पाकिस्तान दे किसे भी जाकर इतनी कसरत नाले मजमून नहीं पढ़िया जितना मैं पढ़िया। मैं किबला समझदा अगर इमाम हुसैन अलैहि सलाम दा जिक्र इक दफा होवे फातह शाम दा दो दफा होवे ये हुसैन बादशाह दा महाज सौखा मुसाफर शाम दा औखा। करबला मर्दां दी जंग मर्दां नाल हर सैयद दादी दा सदका मैनू माफ करना शाम पर्देदारां दी जंग बेगैरतां नाल। थोड़ा जिहा माइक खुला रखो बेटा माइक खोल के रखो मैं दाएं बाएं आजादार दी ज़ियारत करा आवाज ते फर्क ना आवे। मैं फिर प्यादा वतन मदीना कब्र शाम जिथे दफन जगह दा नाम आलिया दे इसमे मुअल्ला ते ज़ैन बिया एक कब्र दी वजह तो नाम नहीं ये जागीर अली दी धी दी मलकियत है। मैं जो दो साल पहले बाबा जी दे हुक्म ते ड्यूटी की आई तो मैं वादा किया जो तो फिर पढ़िया मैं दसे सा जो जागीर अली दी धी शाम लई किवें जरा एक थोड़ी देर मेहरबानी कर सो जो ये जो पिछे आन जाने ना जितनी देर हुण मसाइब पड़ी वे ये बंद रखना क्योंकि तू साडे चो दो बंदे आंदे जांदे सारे नूं फितरतन मुड़ के वेखना पौंदा है ते रात दे इस वक्त सर्दी च आराम छड़ के बिस्तर छड़ के इतनी ठंडी जमीन ते शरीफ आ बैठे रोण वास्ते
ते परदे च परदेदारां दी हाय दी आवाज दलील है जो शरीफां नाल धीआं आईआं होईआं ने ते जिहड़ा धी लै के रोवण आए ओदी हंज च किसे दे आण जाण दी वजह तों खलल ना आवे। पहले बैठे दादार तू आखरी खड़े मातमी तक अली दी दी जागीर किवें लई। जाहिरी बचपन बिल्कुल छोटा जिहा सन, मदीना शहर पंज तने पाक दी महफिल, मसनद ते रसूल झोली च हसनैन, कुर्सी ते अमीर, मुसल्ले ते मलका इस्मत, और ऐसे माहौल च भी जिथे नबूवत इस्मत ते विलायत, उथे पौने दो साल दी परदादार मां दी कंड पिछे। मैं बिस्मिल्ला करा, मैं बिस्मिल्ला करा, जेड़ा इज्जत सुन के हाय कर सके दरवाजे ते दस्तक कोई हाय कर दे आवना, दरवाजे ते दस्तक कोई। अमीर उल मोमिनीन उठ के दरवाजा खोलिया, हजरत जाफर तैयार रही से अरब सफरी लिबास मलबूस, या अली मेरा सलाम, मेरा भी सलाम। जाफर वीर तुहाडा लिबास दसदा है किसे सफर तैयार हो। रही से अरब सिर्फ मंजल सफर दसी ते अली रो पे। अमीरुल मोमिनीन आखिया लगता है तुसा किसे सफर मंजने, ते जाफर तैयार फरमाया हां या अली मैं जाना है शाम। अलहमदुल्ला आखिर तक मुकान फैल गई, हाय दी आवाज बुलंद हो गई, लफ्ज शाम तुसा सुन के हाय की ऐन उल्ला इचू शेर खुदा दे आंसू लुड़ पे। या अली मैं तुन रोवान ते नहीं आया, मेरा ते दस्तूर है हर सफर च अगे मैं भेजदा हूं कनीजा, जाओ पुछाओ किसे नु कोई शाय जरूरत, अज मैं कनीजा नहीं भेजिया, पता नहीं क्यों दिल कीता है, मैं खुद पुछावा किसे नु कोई शाय शाम दी जरूरत होवे। जंदी नमाज दी नियत हो गई उसका हुण भाईजान इंजे अखां चा बहु जी तकबीरतुल इहराम तू आजादी नमाज दी इब्तदा यानी हाय बंदा कर लवेगा। अली चोखा रो के आदन शाम दी कोई शाय पुछनी है ता ओदे तो पुछ जे शाम वजना है। मरहबा 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 जदा कल्ला आंसू उस नीयत दी वजह तू आंदा है जिस नीयत नाल बानियान सब विछांदन। बड़े हौसले नाल भैया चाचा जी हुक्म हुक्म करो मैं पढ़दा, जितनी दफा हुक्म करो मैं पढ़दा वा। उस को पुछो जै शाम वंजना है। बाबा जी मुतहैयर होके कुछ देर खामोश रहे, फिर हैरान हो के आ दिन अच्छा तुहाडे हसनैन तो पुछा, अल्लाह दे पाक नबी को पुछा। फरमाया नहीं जिमें अगे धीआं तू पुछदे आए ना, अज भी जे कोई शाय शाम दी पुछनी है तो जेड़ी मां दी कंड पिछे। मेरी बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा, मेरी पाक दी ते तुहाडी होवण वाली नूह बैठी है, जाओ पुछो जे कोई शाय शाम दी मंगे ता। थोड़ा खान जी हौसले नाल तुसा मेरे ज़ियारतां दे संगती असर रल के जरियां च पुरसे कीते, आओ मैं चाहना इंजी रोई है जिमें बंदा शाम जाके रोंदा है। मैं अपनी इमामत दा वास्ता देना, मेरे तो राज नहीं पुछना। उस धी तू पुछो कोई शाय शाम दी जरूरत, मुसल्ले दे करीब रही से अरब कौन इशारे समझेगा। अगर इंज भाई जान समझ के हर कोई रोन लग जाए तमाचा ताजियाना उरियान मसाइब पढ़न दी जरूरत ही ना रवे। मुसल्ले दे कोल रही से अरब बनी हाशिम दी कोल गैरत सिर झिका हौले हौले पया दिन शर्म वाली दी। मैं तुहाडे जे धी दे सामने कदी शाम दा ना ही ना चाहिया। मरहबा 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 जजाक अल्लाह। मैं तुहाडे जैसी बेटी दे सामने जी आखां कदी शाम जेही जगह दा ना ही ना चाहंदा जी वो पै। मैं तुहाडे जेही धी दे सामने कदी शाम दा ना ही ना लैंदा, मगर तुहाडे इमाम बाबे हुक्म दित्ता मैं पुछना आ, मैं जाना है शाम, कोई शै शाम दी जरूरत। जिंदगी च पहली ते आखरी दफा चाचे नाल आलिया बोलन, हौले हौले पया दिन चाचा अगर पुछण आयो तो फिर मेरा जिंदगी का एक ही सवाल है, पहली ते आखरी वार पई मंगदी हां, मैंने एक नहीं चीजां दो जरूरत है। धी जो बोली रही से अरब दिन तुहाडी जैसी बेटी दे एक दफा बोलन तो मैं 18 मुल्कां दियां जागीरां कुर्बान करा। हुक्म करो
चाचा बाकी मुल्कां दीआं जागीरां पुत्तरां नूं नसीब होंदे मैं सारियां जायदादां दी जरूरत नहीं जे पुछिया ने तां मेरियां जरूरतां दो पहली जरूरत है दमिश्क तों पूरे 9 मील बाहर 60,000 जागी इस दिनार दी जागीर खरीद करके मेरे ना कराई आवना जेड़ा बंदा अजे तक हाय नहीं कर सकिया ते दूजा शाम चो कोई ऐसी कनीज लेके आना जिन्हों गलिया ते मोड़ा दा पता होवे जेड़ी जान दी होवे बाजार कैसे दरबार कैसे गलिया दा माहौल मरहबा 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 जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बड़े 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 हौसले नाल बड़े हौसले नाल मैं चाहना आजादारी और मातमदारी दी बुनियाद रखने वाली पाक मखदूमा दे मातम च हर हाथ सर ते सीने ते इक दफा जरूर पहुंचे मातम दी इब्तदा बड़े हौसले नाल सुन दे अजे ते मैं इब्तदाई मसाइब दी नहीं कीती अजे ते मैं तुहाडे नाल तमहीद दीआं गल्लां पिया करदा एक जायदाद एक कमीज दीद सलाम करके हजरत जाफर टुर गए शाम पहुंच के फौजी सरकार जितना माल तिजारत आई नफा नुकसान वेखे बगैर हुक्म दिता ने जल्दी फरोख्त करो जितनी दौलत जमा होंदी है करो जै मेरे ते सवाल कीता नो मंगण दा तरीका ही नहीं जानदी उस कदी किसे कोलो कुछ नहीं मंगिया उस ताकिया ना 60,000 दिनार 60 लाख दिनार खर्च होवे मैं दी दिखाइश दी तकमील करनी दौलत जमा हो गई फिर नौकरां नूं हुक्म दित्ता ने दौड़ो जिहड़ी बोली ओ अल्लाह दी मशीयत है उस आखे 9 मील तो 9 मील बार जागीर उसी दमिश्क दे हर पासे 9 मील ते जाके पता करो कोई जागीर फरोख्त करे जो मंगसी मैं देसा कुछ वक्त बाद एक गुलाम वापस आया सरदारे अरब रईस बता पूरे 9 मील बाहर जायदाद है एक यहूदी दा बाग है इंशाल्लाह तुहाडी नस्लां दी खैर होवे एक यहूदी दा बाग है बेशक 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 मैं यही पढ़ देसा नतीजा इंज पढ़ देसा मालिक उहदी कीमत उसी 30,000 दिनार ओ मंगदा है 60,000 दिनार 50,000 दिनार अच्छा कौन शिया है जिन्हों नहीं पता जो करबला इमाम हुसैन अलैहि सलाम दी जागीर दी कीमत कितनी आई बोलो 60,000 दिनार आलिया कितना फरमाया आई कितने दी जागीर होवे 60,000 दिनार मौला 30,000 ही नहीं होनी उस तलब 50,000 कीतन सरकार फरमाया दौड़ के जाओ उस यहूदी नु आंख में 60,000 दिनार देसा मौला मुंह मंगी तो ज्यादा कीमत क्यों देंदे बाबा जी दिलों दुआ निकल सी हौले हौले रही से रवा दिन बस मेरी कोई मजबूरी है उन्हों आंख इजाफी कीमत दे बदले मेरे कोल आ जाए मैं इस जागीर दा सौदा बाजार इच नहीं करना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जेड़ा आलिया दी इज्जत सुन के हाय कर सकता है या हुसैन शाबाश 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 देंदे आओ मुकान साई कट के मंजल मंजल बई दे साई कट के रोंदे आओ मातम वाला हाथ वली यो लामर अलैह सलाम नी ना लैन नाल मासो बड़े हौसले नाल बड़े तहम्मल नाल सुन दे आओ हुण जिसनू बादशाह जी मुंह मंगी तू ज्यादा कीमत मिल रही आई दौड़दा आया सरकार फरमाया ए दौलत है ये तू 60,000 दिनार गिण फिर जागीर लिख यहूदी गिणन 60,000 दिनार अल्लाह दर्जात बुलंद करे मेरे प्यारे भाई जनाबे अल्लाह मनासिर अब्बासी दे चाचा जी उन्हां दी जदों घर मजलिस हुंदी है ना दरबार हजरत शाह शाम सरकार सामने मजमे दे विच पांदे आं मैं किसी होर मौजू 60,000 दिनार आखिया उठ खलोते उन्हें आखिया वजाहत की करो मते बच्चे समझन 60,000 रुपए या सिक्के आन यह 60,000 तोले सोना कैलकुलेटर कंप्यूटर दे दौरे अलामा शहीद फरमाया बच्चे घर जाके हिसाब करें एक कबर वास्ते कितनी महंगी जमीन लई अकबर दिमाग जमाना जागीरां खरीद करें दे बाबा जी बाग हो से फसलां हो से बहन बिरादा मुकद्दर बिरादा जागीर लई तो पुत्र दफना है
बहन जागीर खरीद की थी तो अपनी कबर बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह एडे सोने माहौल फिर रुक रुक के खला पड़ना जेड़ा मजलूम दे मिशन नाल दिखावा करे ओशाला हुसैन दे कातिल नाल मशहूर होवे। आओ सिर झिका करके इंजी नीयत नाल खलूस नाल पिनी है जिवें खलूस नाल मातमियां सफ उचाइए। जदों गिंडलेस ने 60,000 दिनार सरकार फरमाया हुण लिख रकबा कीमत त्रीजे नंबर ते लिखना आई मालिक दा नाम। शाम दा यहूदी कलम रोक क्या दे मौला दसो तुहाडा नाम लिखना है किसी पुत्र का नाम लिखा सो जल्दी नाल कागज ते कलम यहूदी दे हाथ चुनाब क्या दिन छड़ दे जगह खाली जिसकी मलकियत ओदा नाम कोई गैर नहीं लिख सकता। मैं बर्दाश्त नहीं करता ओदा लिखे होया नाम कोई वाह 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 मैं मयार चाहिदा सादात गैर सादात इंज हाय करनी आई जनाजे ते आके। और याद रखना मेरा अजीज मोहतरम मौला जबाना च होर तासीर दे मैनू रोसी इंशाला असने नबाज पढ़ते पे ते मैनू मातमी पीछे लै गए उन्हां ज़ियारत करवाइए अल्लाह में पाक दी शहादत आलिया दी पढ़ी सी अल्लाह अब्बास दो सी एडिया वड्डिया पर्देदार जिन्हां दे ताबूत दी छबी भी गैर मर्दां च नहीं आ सकदी ताबूत दी जाते इन्हां दे पहरेदार वीर दा अल्लामा सी मालिक तौफीकात च मजीद इजाफा करन मौला परेशानियां दूर करन जिन्हां एडी सोहणी गाजी सरकार दे अलम दी छबी बनाई गारे हर वक्त पढ़ने दे हर रोज तुहाडे सामने आ। मैं सारा मौजू पढ़ा एक घंटा मैं मजीद चाहिए है। मैं करीब करदा जो रोंदे थक ना जाओ जदा जनाजा होवे परदे च तो फिर तुहाडी हाय बुलंद होवे। अपने हाथ नाल नाम लिख के धी नूं जागीर दित्ती जिथे चाचा बर्दाश्त नहीं करेंदा कोई सिर्फ नाम लिखे या लिखे या वेखे तुहाडे अलावा मैं पता लग सी मजलस सैयद किथे किथे बैठे जिथे चाचा सिर्फ लिखे या नाम बर्दाश्त नहीं करेंदा उथे दो दफा गई ते दोवें दफा कड़ियां पा गए। अल्लाह अकबर अल्लाह हौसले नाल जी बड़े हौसले नाल बड़े हौसले नाल हुण मैं पढ़नी है सिर्फ शहादत दी सतर एक दफा नहीं दो दफा बल्कि मैं तां दराना जिथे अली शाह हुसैन शाह दे नौकरां नाल ही वजना उत्थे धीआं रुल गईआं। दूजी दफा बैठे शाम माह रजब 15 तारीख दीगर दवेला इस मकान जिहड़ी आलिया सैन जागीर खरीद की थी है ना इस जागीर च बीबी दो दफा आए पहली दफा पूरे त्राए दिन इंतजार किया जो लोग इस्तकबाल की तैयारी करते रहे तेरा भला होवे। दूजी दफा इत्थे पहुंचे ते फाते शाम दा मैं बादशाह दी एड्डी लंबी तारीख दी रिवायत नूं इक सतर च इंजी पढ़ सकदा फाते शाम दे कदम दा रोब आई जो शाम दा बेगैरत ते बुजदिल हाकम फिर नार हो गया न बाजार च पत्थर चले न दरबार दी पेशी दूजी बार उथाऊं हुक्म मिलिया जिदे दिल ने टुर जाओ जिदा पता लगा है ना जो इतों तुरने हौले हौले पया दिन सजाद चाचा जी समझ सो तो हाय बेसाखता निकल सी शाला में गल पहुंचा लवा सजाद जे तुसा आखो तो मैं अज कातिल दे शहर दे बाहर मकतूल दा मातम कर लवा अम्मा मेरे को पुछण दी वजह रो क्या दिन सजाद मैं पुछिया ता मत मैं रोवां ते तेरी कंड ते जुलम करे ला मैं बिस्मिल्ला करा मैं बहु औखा सफर च रुल रुल के इमामत दी नस्ल बचाई है मौसने नस्ले सादात सैयदजादे अपनी शाम अली दादी दे मकरूज हो नस्ले बतूल जमाने ते कायमे तो मेहनत अली बादशाह दी पाक थी दी बीबी प्यादन सजाद तन तो कुछ ना से नहीं अम्मा जिवें दिल ने रोवो हजरत फिजा नु बुलाया अम्मा जी आलिया जाओ ये बाग मेरी मलकियत है इहदे मरकज च तगर छड़ी है जदों मैं पहली दफा आई अम्मा बाजार सजदे रहे मैं बाग च रुकी रही हम अम्मा उस शरीन दे दख नाल मेरे हुसैन दा सर लटकाया ने
मेरे मुसाफिर दे कटे हुई रगां दा खून शाबाश आफरीन मरहबा कटी हुई रगां दा खून दरख्त की शाखा ते लगाई अम्मा लोगा दरख्त नहीं कटिया तबे जुर्म दा खून है मिटा कोई नहीं सकता अम्मा वेख अज खून है तमे वीर दा खून वेख के शाम विच रोवां फिजा गई जवानी माने थोड़ी देर बाद वापस आ गया दी अली दी मैं नहीं सुनेंदी आओ जरा फेरा दे खून दा मौजा वेखो दरख्त भी है खून भी है मौजा भी है जेड़ा समझे हाय करे हर बंदे अली गल नहीं भाई जान त्राए मर्तबा जवानी नसीबो भी समझण दी कोशिश करना त्राए मर्तबा मुसाफिर शाम बादो परशाह जी उठण दी कोशिश कीती इतना जगाया ही फिरा दे कातला मरहबा 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 जदा कला इतना जगाया वीर दे कातला मैं बिस्मिल्ला करा जितनी दफा थो मैं पढ़ा इतनी थक पई हजारा मील रुल रुल के आपे उठ न सकी चश्मे फलक पहला मंजर रिठा मां सहारा बनी दी सहारा लेके उठ पई दो चार कदमा बाद तीन सहारे दोवे पासे दो इमाम कंड पिछे गरीबी दा बुरका औखे चलदे होए आलिया दरख्त दे करीब आए हाँ अल्लाह जो बेनियाज है इन पता लगता है जो शरीफ जनाजे ते आए हर पास हाय दी आवाज होवे हर पास मातम दी सदा होवे कोई इंतजार हुन नहीं करेंदा बादशाह जी मैं कोई हुन जल्दी नहीं मैं सारी रात ही पढ़ा तो मैं कोई जल्दी नहीं जितनी ड्यूटियां करनियां मैं करके आया मगर मैं नहीं चाहता जो जनाजे नु इंतजार करावा क्योंकि अक्सर जनाजे ते वो भी आए होंदे ने जिन्ना लंबा बंद करके वापस वंजना होंदा है मैं हुण नहीं चाहता जिन्हां दे माता मजादारी ते आंसू विच खलल आवे तुसा मातमी संगत सोगवारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुश नसीब हो अज शाम ते मदीने आले तुहाडे मेहमान हैं अज करबला वाले इस जनाजे ते तुहाडे मेहमान हैं हुण मैं इस गिरीए दे माहौल विच इस ऐन जनाजे वाले माहौल विच इंतजार नहीं करेंदा बीबी दे इक सलाम लिखो है अल्लाह तुहानूं लै जावे शाम एक ही दरवाजा है उस दरवाजे दे उत्ते लिखो है अस्सलाम अलैके या जबल सबर सबर दा पूरा पहाड़ तुहाडे ते साडा सलाम जेडी खुद जबले सबर आई उस बीबी डिठा पत्तियां चो खून पूरे दरख्त हर पत्ते जो चाचा जी खून विच मुसाफिर बिरा दी खुशबू जे आलिया गौर नाल डिठे तो सफेद परिंदे ओ तले आंदा खून परां ते झल के अपनी जबान चा देना हाय हुसैन परिंदे तड़प के मर वेंदे कुछ देर मंजर डिठा वजड़ी सबर दा पहाड़ आई उहदे सबर दे बंद त्रुट गए जख्मी हथ कर बलाल उठ गए ते बीबी पहला वैण कीता है हुसैन पखी मरदे वेंदे नहीं भैण जींदी वधिया या हुसैन या तुसा तुसा बेटा मैनू वेखो तुसा तुसा गुस्सा ना करो बच्चा उन्होंने नहीं समझ तुसा मैनू वेखो तुसा मैनू वेखो ने आज हुसैन हुसैन पक्षी मरदे वेंदे नहीं बहन जींदी आ दूजा वैण हुसैन मैं सिर्फ जींदी नहीं मैं दूजी दफा शाम आ गई त्रीजा वैण हुसैन दस मैं अजा कितना रुलना है इना त्राए वैणा नाल मेरे वतन दा हजारा दा मजमा बैठे खलोते आजादार हर बंदा समझ के मातम करे मैं हिंदी पढ़सा पीर जफर शाह जी किसे एक बंदे नु समझ ना आवे मैं उड़ियान करके तुहाडा दिल दुखा के किसे दी हाय बुलंद नहीं करावणी जांदा मुकद्दर होया चाचा ओ रोला सी आलिया दे त्राए वैणा नाल तारुख मुकम्मल होया आवण आली कौन है ते क्यों आई खली है हुसैन दी बहन ते दूजी वारी शाम ते पुछ दिए कितना रुलने इस तारुफ नाल चौथे दरख्त ते ओले ते बैठे माली नो पता लगा जो चार साल बाद बाग दी मालिक बाग च वापस आ गई इस चार साल दी जितनी आमदन आई जमा करके ओदी वजनी गडड़ी बना के मालका समझ के थकी हुई मुसाफरा दे सर ते मरहबा मरहबा ए हक है मातम दा ए हक है मातम दा ना पुत्र हाथ हाथ ना जोड़ो हाथ हाथ भाई मोहतरम मसाइब पढ़िया जा रहे मेरा नहीं मसाइब का लिहाज करो हजारों बंदे की तवज्जो तुहाडे कैमरे की वजह तो तुहाडे हल हो गई उन्होंने जनाजे बेटा हौसले नाल बेटा हौसले नाल
रोमन दे मैन मसाइब पढ़न दे ने आज हुसैन ने एक भी बंदा डिस्टर्ब ना करे आखिरी दफा बाबा जी ना जमाना दी मैं मिन्नत पे करदा आखिरी दफा मेहरबानी करे सने की जगह ते आराम नाल बैठ जावन ते मैं हुण ओ मसाइब पढ़न लगा मैं इमाम बरगा मैं जल्द ले आंदे दी ठहर बस सर ते गड़ड़ी आई इतना वजन आई थकी आई ते साह मुक गए दुआ मंगी करो शाला परदेस विच किसे नु मौत ना आवे अल्लमान 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 पकड़ लो हाथ पकड़ लो हौसला दो मैं मसाइब हुण पढ़ना है मैं मसाइब हुण पढ़ना है मैं वेखना जी साई कड्डो बर्दाश्त करो जिंदगी का नहीं पता केड़े मोड़ ते मुक जाए पता नहीं भाई जान मेरी आखरी होवे पता नहीं केड़े कितने तुहानू नजर आ सन कल तुहाडे नाल रो रहे हन ते अज कोई नहीं पता नहीं कहंदी जिंदगी दी आखरी होवे जेड़ा चांदा है जो मैं राज के गरीबां नू रो लवां ओ बंदा झोली फैलावे ते मैं सहन मुसाफिर शाम तो मातम दी खैरात पिंदा पिया दुआ मंगी करो परदेस च कोई ना मरे ते बिलखसूस शाला मौत दे वेले पर्दादार किसे दी धी घर तो बाहर ना होवे पर्दादार जनाजे दियां इजाफी शरई जरूरत होंदियां कातलां दा मुल्के जंगल दा माहौल दीगर दा टाइम जख्मी जनाजा सर झोली च पा के सजाद बैठिया ते नम्मा जिना बुरका लुटिया ओ कफन कदा देंदे हैं मरहबा 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 आफरीन भाई अम्मा जिना बुरके लुट ले ओ कफन कदा देंदे जनाजे चुमेना है तू कफन मंगे ही नहीं ना मेरे हुसैन दा कफन लुटिया फिर मैं अगर बाबा जी रिवायत पढ़िए सैयद पैरों से चल के घर ही ना जाओ तुझे बर्दाश्त ही ना करो रिवायत ना पढ़ता अदब का सहारा लेना इमामत बंदोबस्त किया जन्नत चुआ बेकौसर आया कुछ ना आखो पीछे चले जाओ यार जे तुस उसे मुड़ के ना वेखो मैं ना वेख सा जी पढ़ा जिंदगी इतना पढ़ सा अलमा की कसम इना पढ़ सा रोना मकसद होंदा ते तुसा रो लिया बस इतना समझो बाबा जी इंज पढ़दा रहना आप कौसर आया मलका इसमत दे जख्म नाल मस होवन वास्ते जन्नत चुकन आता ही हूरा परदे दा बंदोबस्त किया जन्नती ताकत आया परदे दे अंदर फिजा हवा मरियम ते आसिया मदद करन आलियां अल्लामा वजीर हैदर नजफी दरस खारिज पड़े मुजतहिदन रहीम यार खान वाले ओ आदे होंदे हन दीगर वसल शुरू होया ते रात ढल गई हौसला भाई हौसला भाई हाथ पकड़ लो ना नाल वाला सन शोर ना मचावना पवे हौसला नियाज हुसैन हौसला बाबा जी दीगर शुरू जनाजा जख्मी होवे ता देर बड़ी लगदी है दीगर हुसल शुरू होया ते रात ढल गई हर बंदा नियाज हुसैन रोंदा बंदा भी बोल के दसे हुसल मुकम्मल होवे ता के जरूरत होंदा है हुण परदेदारां दा हिस्से दा लफ्ज़ है मेरिया बेटिया मेरिया मावा मेरिया बहना मेरिया सहनी सही आजादियां तुहाडे हिस्से दा लफ्ज़ है धी अमीर दी होवे या गरीब दी दो सवाल फेकियां ते होज नाल कर दिए शरीयत दा हुक्म नहीं शरीफां दी रस्म में जींदियां धी ईद मंग के लैंदी है ते मोया इंतजार होंदा पेका कफन आसी ता जनाजा उठी सी मेरा नाराजी होवे ता औलाद नु आखसी मेरा जनाजा रखना मैं यकीन है मेरा पेका कफन आसी हाँ एक एक सतर और समझो ते मैं अखीर करा मसाइब मुकामा इतना ही बर्दाश्त आई तुहाडे जितना ही बर्दाश्त आई मेरे भैणा ईद माफ कर देंदियां कफन माफ नहीं कर दिया सैन दा जनाजा बाबा जी मेरा वतन है मेरा घर है मैं गले च कपड़ा पा के मिन्नत करे सा अली अकबर दा सदका जवानी मैं पढ़न लगा मैं पढ़न लगा जवानियां नसीब होने बहना दे पर्दे सलामत होने बहना नाल नाराज ना हो करो खसूसन मौका ईद दा होवे एक दफा जरूर टुर गए करो अरबपति खानदान दी नौ होवे गरीब ते मजदूर बिरा दा इंतजार कर सी ईद माफ किवें कर दियां मजदूर गरीब बिरा बहन नू ईद देवण लगे वखरे ले जा के आखसी तू न दे मैं कोलों विखैसा मैन बिरा ईद दे गया
बहना ईद माफ कर दिया कफन माफ नहीं कर दिया अल्लाह की कायनात हिक्का बहन आई सजा दी जख्मी कन्ना आली बहन जै शाम बिरा नु आखिया खून न रो मैं कफन न मंगदी रात ना रो मरहबा छड़ दो भाई जान छड़ दो छड़ दो छड़ दो छड़ दो जंदा दिल ले जीवे दिल ले उंज मातम करे जी आखा इको इको मासूम है शाम जाए आख्या ना रो मैं तेरे को कफन ना मंगदी ते किस्मत अली दियां दियां दी जदा ईदा लवणियां तकूफे बाबा मारिया गया जदा कफन दा टाइम आया ता पेका बजिया कोई ना बाबा जी 15 रजब ही हो वेला पर्दे दे अंदरों फिजा आखे सजाद पेके जे ओ फुफी दा कफन और कफन हा कोई ना परदेश इमामत दी अबाल हा के उतो करबला ते शाम दी धूड़ छंड के ते कांड पिछे वधा के आखिया ने मैं गरीबा बन पौसी कफान या हुसैन या हुसैन बैठ के दो दो मिनट बैठ के जबी आवे जिवें दिल ने मातम करया है हौसले नाल बस बादशाही की तीने छड़ो मैं कोशिश करेंदा मैं वैन करके जावा मजलस का माहौल मजलस वाला होंदा उन्हों मजलस इस धुएं च कितना एक मैं पढ़ सकता मगर तुसा मैं वेखो ते मैं नतीजा पढ़ा मैं कोशिश करेंदा जो तुसा सुनना चाहते हो मैं पढ़ के जावा चलो इन आखा जी थवीर दे ईद दे कपड़े आया उतो बहन का कफन आ गया कफन दे बाद पढ़ना जनाजा दालू मोहम्मदिया दी मस्जिद दे स्पीकर ते ऐलान होवे सड़क तो एक जनाजा मिले है कोशिश के बावजूद उदा वारस नहीं मिल सकिया ओदी नमाज़े जनाजा उसी बाजार दा 100 बंदा आवे सी बेवारस जो है बाबा जी जी दे नां दा पता ना होवे 100-100 बंदा ओदे जनाजे च आवेंदे ते जेंदे वीरन हसनैन ते अब्बास जेंदा बाबा अली ते नाना रसूल ओदे जनाजे ले एक सजाद पढ़ाण आले पिछे एक बाकर पढ़ाण आले मैं जिस वास्ते कमर बन के मुकान अली हा शकल सही आजादा बनाइए माफ करना सही था मैं मैंने इस तो बड़ा मसायब याद ही कोई नहीं मैं बारगाह में जलजले आंदे डिठे मैं आजादार तड़प दे डिठे अगली जरूरत होंदी है पलंग चार पाई जिस ते जनाजा ले जाना होंदा मैं 12 साल मसायब पढ़दिया पढ़दा रहा जो सोने चांदी का सोना जंती पलंग आया शिया मियाणी मुल्तान आ गया नसीम अब्बास तो पहले मैं बीबी की शहादत पढ़ी वो कुर्सी ते रोंदे बैठे मेरा हाथ नाप के ना कि अली रजा अज पढ़े आई बात ना पढ़े पलंग मत बचिया या सुन्नी मेहमाना गलत वहमी होवे अली दी धी आई जन्नत दे नवाबां दी बहन आई कोई कीमती पलंग आया सी मैं सैयद जामिना जिथे पढ़े इंजी पढ़े 18 बिरावां दी बहन जाफर तैयार दी नौ अली दी धी दा जनाजा चाण वास्ते जंगल चो सजा 4 लकड़ियां ले आया दो इस रुख ते रखिया दो इस रुख ते रखिया उत्ते जख्मी जनाजा नतीजा देन लगा आखरी गल का जवाब जो दो वैन करा जनाजा कितने बंदे उठा दे 4 मर्द मैं गया कि मैं मदरसे दर्स दे हाथ खला पढ़ना हुक्म है जेड़े जनाजा चा मैं नी मार कोई दे शाला किसे दा कोई होवे बेटा नाल वाला जवान जरा हाथ पकड़ना हौसला देना साई काट लेने मत बाबा जी दिखावे शुमार हो जावे मैं साई कटा के तां भी पड़दा मत कोई जवान बर्दाश्त न करे इत्थे 4 टोरा जान ते एक शहीद हो गई पिछे त्राए एक मौसम दी ज़ईफा वतन आलिया दो बे मौसम ज़ईफ ते जितने सैयद हो जदा आलिया दा सलाम करो ना एक सलाम हजरत फिजा ते जरूर भेजिया करो तुहाडियां नस्लां मकरूज हैं जदा खून रो के सजाद आखे ना कौन चवे सी अपनी चादर नाल सजाद दे आंसू साफ करके आदि बस इतना दस सिरहानी प्यो पुत्र चाल है सो
या हुसैन या हुसैन या हुसैन। शाम दी मुसाफरा हिम्मत देना मैं तुहाडे जनाजे दे दो वैन कर सकां सर आले पासे हुण ते ताबूत या पलंग पड़दा रवां जी बाबा जी हुण इजाजत है हुण ताबूत पड़दा रवां सर आले पासे प्यो पुत्रां वजनी ताबूत मुश्किल चाया थोड़े ज़ईफाई पिछले दो पावे कलियां दो हथां ते बुलंद करके आदिए मदीने मरिया पेका कफन होविया तेरा जनाजा चवेनिया अगले कदम ते फिजा नू वसदा वेला याद आया आदिए आज तेरा अकबर होया या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अकबर तुहाडी झोली सर रखदा ही अकबर आदा यम्मा जदा तुसा टुरने मैं अद्धी रात ले जनाजा चवैसा मैं तुहाडी मां दे कोल तुहाडी कबर आ बणैसा अकबर दा नाम आए टुरदे सजाद करबला हाथ वधाए साथ मार के आ दिन जल्दी आ मां जंगल च मर गई है अकबर दे और नला मरहबा मरहबा हक इंज बनदा है हक इंज बनदा है हाथ आजाद होने मातम जरूरत आओ ऐसी हौसले नाल भाई बच्चा हौसले नाल बेटे रुक जा ना सारे जो बुजुर्ग पे रोक देनी एक मिनट रुक जा उन्होंने भी सुन दे आप भी मजला सुन फिर मातम जिवें दिल आवे उंज कर देवे नियाज हुसैन अद्धा मिनट मैनू वेखना इमाम दी आवाज आई हवा अमानत समझ के करबला पहुंचाई कब्र च मजलूम करबला सुने मेरी मौसना दे परदेस शाम हो गए कब्र शाह कोई बाबा जी गवाही देना पैरों सुता पियाई नबी दी शबी अकबर अकबर दे नाम दा पैगाम आई हुसैन अपना जख्मी हाथ अकबर दे सीने ते रख के आदेन उठी छोड़ मलार ते शाम वजे मेरे नाने दी तस्वीरे मां मर गई है या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मैंने बाबा जी आन तो पहले मिंबर ते आंदे तक पांच सात दफा मातमी आखे जो बरामद की सी हजरत अब्बास दा आलम शहादत सहन दी अल्लाह मुराजी दा क्यों साद हिक आई फितरत दस्तूर जमाने परदादार टुर जावे इतला दें दिन पहले पेके आनो दी मर गई ने इतला हिक आई ते पेके हर पासे आ गए कोई कूफा चो कोई करबला चो कोई मदीने चो हर कोई आया कफन चाली दीदी चुप रहे थोड़ी देर बाद रुन्ने भी हैं ते तलाश भी कीता है सजादा दिन मां हसनैन भी आ गए नजफ चो बाबा भी आ गया जोड़ी भी आ गई सारे जो आ गए कहन पे लभदे हो जख्मी अख बता के आ दिन सजा दी ओ कुछ पूछना है ओ क्यों नहीं आया सुन मौत मेरी लाले या कह नहीं दसिया मरहबा मरहबा। एक सतर नोए दी पड़ी है मातमिया का जो प्रोग्राम है सारी रात छापेदारी मातमदारी जो है आखा नोए दी सतर कर दे मातम अली अगे वदेन आदम सजाद राह दे मैं धी नाल कोई गल करनी है सजाद हटे ने इमाम धी दे चेहरे तो जख्मी कफन हटाया हौले हौले जख्मी सर ते संभाल के हाथ रख के आदन मैं पूछण आया तेरा फलक ने वेखिया साया जिंदगी विच तेरा फलक ने वेखिया साया नहीं मैं सिखदा तुरिया दुनिया तू ते मेरे नाले लाया नहीं की मैं बोलिए नाल शराबी की मैं बोलिए नाल शराबी की मैं बोलिए नाल शराबी मातम करो हाय आलिया से गुजर जाए।